भगवान भरोसे चल रही वीरपुर की बिजली, करीब दो घंटे तक बैठे रहे 500 कॉलोनी के ग्रामीण बिजली ऑफिस पर ज्ञापन देने के लिए। जब उन्हें पता चला कि यहाँ ज्ञापन लेने के लिए कोई सक्षम अधिकारी नहीं, तो फिर उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर को ज्ञापन सौंपा। वीरपुर 500 कॉलोनी के ग्रामीणों को बिजली की समस्या से करीब 20 दिन से गुजरना पड़ रहा है। बिजली की वोल्टेज में घर के फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा और लाइटों पर भारी पड़ रहा है। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान के भी रेट बहुत भारी हैं, जिससे लोगों की जेबें लगातार खाली हो रही हैं। इंसानों को हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष कोरोना के चलते लॉकडाउन की चपेट में लोगों को पहले ही घायल कर दिया था, फिर से इस वर्ष कोरोना का भयानक खतरा सर पर चल रहा है। इधर दूसरी ओर बिजली के वोल्टेज से बुरा हाल है। पूरे दिन तो बिजली गुल रहती है, आती है तो अधिक वोल्टेज के साथ आती है, जिससे पंखा, कूलर, टीवी आदि कुछ भी सामान खराब हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि वीरपुर में सुपरवाइजर करीब 6 महीने में कभी भी नहीं आते हैं। इससे पहले जादौन में वो हुआ करते थे और वीरपुर के सुपरवाइजर उनका ट्रांसफर होते ही यहाँ पूरी जिम्मेदारी लाइनमैन को दे दी गई और भगवान भरोसे ही सब कुछ चल रहा है। जहाँ वीरपुर का सब स्टेशन पे कोई भी जिम्मेदार नहीं रहता है, इधर उधर गोल सब लोग घुमाते हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के शासनकाल में क्या ऐसे ही भगवान भरोसे बिजली चलती रहेगी। वीरपुर और 500 कॉलोनी के लोगों को क्या वोल्टेज से ऐसे ही भुगतना होगा, और ट्रांसफार्मर की मांग भी लोग करते हैं। शिवपुर जिला से ब्यूरो दिलीप कुशवाहा की खास रिपोर्ट।